नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, उत्तराखंड के कुमाऊं का सबसे बड़ा हॉस्पिटल सुशीला तिवारी आजकल फिर बदनाम चल रहा है। दरअसल यह बदनामी का कारण कोई मरीज या उसका तमीरदार नहीं, बल्कि वहां के खुद कर्मचारी हैं। दरअसल आपने अखबार और खबर के माध्यम से आपको भी पता लगा होगा, यहां पर एक महिला कर्मचारी जो कि वहां पर कैश काउंटर पर थी, वो वहां से पैसे किस प्रकार गबन कर रही थी। दो तीन महिलाओं का नाम उसमें बाद में आया हुआ था। उनके घर से लाखों रुपये की तो बरामदी की गई और कई सारे बिल बुक्स वहाँ से प्राप्त भी हुए। और ये कई साल से चला हुआ आ रहा था ऐसा क्रम, ये कोई नई बात नहीं थी। जो यहाँ पर ब्लड के, एक्सरे के, MRI, CT स्कैन, इन सभी के जो बिल जमा होते हैं, उन सभी के पैसे ये गबन कर रहे थे और उसमें से चुरा रहे थे। तो अब जब ये पड़ताल सामने आई तो हॉस्पिटल की काफ़ी बदनामी चारों तरफ से हो रही है। तो दरअसल ये हो क्यों रहा है, क्योंकि जो यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर हैं, यहाँ बड़े बड़े कर्मचारी हैं, कई ऐसे लोग हैं उनमें से जो लगातार यहाँ जो मरीज हैं उनके तमीरदार हैं, उनके साथ में किस तरह लोटामारी कर रहे हैं वो मैंने आप सभी के सामने दिखाया था। किस तरह कमीशनखोरी के चक्कर में लोगों को, गरीब जनता को, आम जनता को वहाँ पर लूटा जाता है। और जब इन कर्मचारियों को लगा हुआ कि इनके पास तो कोई सोर्स है ही नहीं इनकम का, तो इन्होंने वहीं से शुरू कर दिया है। दोस्तों, अगर मैं आज आपको लिखित में बताऊँ तो ये पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र अगर कोई है तो वो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी का है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, ऐसे यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, आम गरीब जनता को लूटने का काम करते हैं। इसका मैं पहले भी खुलासा कर चुका हूँ। और जब मैंने इस बात को खुलासा किया तो इन लोगों को हजम नहीं हुई, तो पीठ पीछे वार करने के लिए मेरे ऊपर में मानहानि का केस भी लगाया हुआ है, जो अभी कोर्ट में चल रहा है और मैं उसे लड़ रहा हूँ। और मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है, हम उसे एक दिन जीतेंगे। दूसरा दोस्तों, ये हॉस्पिटल हमारे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी, जो कि पहाड़ प्रेमी बताए जाते हैं, जिन्होंने वास्तविक पहाड़ की पीड़ा को उस टाइम पर समझा था, जिन्हें विकास पुरुष भी कहा जाता था, उन्होंने देखा कि हमारे पहाड़ के लोग किस तरह जटिल समस्याओं के कारण में, जब वो कोई ज़्यादा उनको गंभीर बीमारी होती है तो उनको दिल्ली जाना पड़ता है। उन्होंने यह हॉस्पिटल आम गरीब जनता के लिए बनाया था, ताकि यहाँ के लोगों को दिल्ली जैसे बड़े शहरों में न भटकना पड़े, उनको अपने हल्द्वानी में इलाज हो जाए। लेकिन आज यह हॉस्पिटल पूरे कुमाऊं का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र है। लेकिन जो मजाल कोई अधिकारी यहां छापा पाड़ दे, जो मजाल कोई नेता सुन दे, मैंने तमाम लोगों से गुहार लगा दी, मुख्यमंत्री स्वयं हेल्पलाइन पर मैंने शिकायत डाली, DM महोदया को मैंने पत्र लिखे हैं, लेकिन जो मजाल मुझे रिस्पॉन्स मिल जाए, बाकायदा उसका कारण यह हुआ लास्ट में खामियाजा मेरे ऊपर में ही केस कर दिया। क्योंकि आज यह दर्शाता है कि अगर आप गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे तो आपके ऊपर में इस तरह का कर दिया जाएगा करके। लेकिन मैं भी हार मानने वाला नहीं हूं, मैं पहाड़ की उस मिट्टी से बना हूं, अपनी जान देना तो मुझे मंजूर है, लेकिन भ्रष्टाचारियों के आगे मैं सर झुकाने वाला बिल्कुल नहीं हूं, यह भी मेरी अपनी जुबान है। दोस्तों, यह हॉस्पिटल में जहां अच्छा इलाज होना चाहिए था, वहां मेरे पास आपको यकीन नहीं आएगा, कोई हफ्ता ऐसा नहीं बचा होगा, कोई दो तीन दिन ऐसे नहीं बचे होंगे जब मेरे पास फोन आके लोग अपनी राम कहानी नहीं सुनाते हैं कि मैं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल गया, मेरे साथ में इस तरह की अनहोनी हो गई, मेरी माताजी का वहां देहांत हो गया क्योंकि वहां लापरवाहियां थी, मेरे भाई का देहांत हो गया क्योंकि वहां लापरवाहियां थी। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं ना तो नेता हूं, ना मैं कोई अधिकारी हूं, ना मैं कुछ हूं, मेरे पास कोई पावर नहीं है। मैं एक आम लोगों की तरह एक आम जनमानस हूं जिसने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। लेकिन मैं जब उन्हीं लोगों को बोलता हूं कि आप भी अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, तो वो लोग डर जाते हैं, बोलते हैं हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हमारे घर में कोई और व्यक्ति नहीं जो हमारे पीछे सपोर्ट में खड़ा हो जाए, आपके पास तो सोशल मीडिया की पावर है, हमारे पास वो भी नहीं है। तो लोग डर जाते हैं, ये लोगों के दिमाग में डर बैठा जाता है। और दूसरी बात, जब ये चोरी का आरोप लगा, आज 10 दिन से अधिक हो गए, अभी तक पुलिस में मामला नहीं गया है, और जबकि वहां पर कोई व्यक्ति अगर अपने परिजन मरने के बाद में अगर वहाँ पर ये बोलता है कि मेरे साथ ऐसा गलत हो गया, तो वहाँ 2 मिनट के अंदर में पुलिस आ जाती है। तो आज तक यह मामला पुलिस में क्यों नहीं गया, ऐसे भ्रष्टाचारी पुलिस के अंदर में अभी तक बंद क्यों नहीं हुए? क्योंकि एक कहावत आपने सुनी है, जब सैया हो कोतवाल तो डर कहेगा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े डॉक्टर की सीधे पहचान बड़े बड़े नेतागणों से है, और जब इनका ऊपर इनको पता है हमारा हाथ इतने ऊपर से है, तो इनको डर काहे का है। और यही भ्रष्टाचार एक दिन पूरे पहाड़ को खाली कर जाएगा, पूरे खत्म कर जाएगा, दीमक की तरफ सूझ जाएगा, देख लेना। क्योंकि आज हर कोई डरता है कि कहीं आवाज़ उठा दूँ तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि होता भी वास्तव में ऐसा ही है, मेरे ऊपर भी केस करा हुआ है, लेकिन मैं अलग हूँ इसलिए मैं लड़ रहा हूँ और अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। गलत के खिलाफ ना तो मैं बर्दाश्त करूंगा और नहीं मैं गलत करूंगा, ये मेरा वचन है। मैं कभी गलत भी नहीं करूंगा,
और नहीं मैं गलत कहूंगा, जो सत्य होगा सत्य को सत्य कहने में कोई डर नहीं। हम हमेशा समाज सेवा के भाव से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा परिवार चलते हुए आ रहा है और मैं भी उसे कर्तव्यों को निभाऊंगा, चाहे जो रास्ते में जो भी दिक्कतें आएंगी उन्हें भी मैं पार करके जाऊंगा। तो आखिर उत्तराखंड का सबसे भ्रष्टाचार का केंद्र सुशीला तिवारी कब सुधरेगा, आप लोगों से सवाल है, और आप लोग इस तरह की आवाजें क्यों नहीं उठाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।